The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So again, namaskar, adab, sat sri akal, main hu Dr. Paramjeet, aap dekh rahe hain Dr. Education. आज हम बात करेंगे इस एक बहुत बड़े पैंडेमिक की, जो कि कोरोना नहीं है, ये है ओबेसिटी। और ये आप में नहीं है, आपके बच्चों में है। जी हाँ, और ये छोटी बात नहीं है। जी हाँ, अगर मैं कहूँ आपसे कि आपके बच्चों को आगे चल के बीपी होने वाला है, शुगर होने वाला है, हार्ट अटैक होने वाला है, कार्डिक इशू होने वाले हैं, पता नहीं क्या क्या होने वाला है, स्ट्रोक होने वाला है, तो आपको कैसा महसूस हो? ऑब्वियसली आप नहीं चाहोगे। आप उसकी बुनियाद रख रहे हो। आज अगर आप आज अपने बच्चे को मोटा होने दे रहे हो तो चाइल्डहुड ओबेसिटी बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है, सीरियस मेडिकल कंडीशन है, जो बच्चों को और उनसे बड़े हो गए, जो वो बड़े होंगे उनको तब तक अफेक्ट करती है और बहुत ज्यादा तादाद में बहुत तेजी से बढ़ रही है। चाइल्ड हु आर ओबेस का मतलब दे आर अबव नॉर्मल वेट फॉर देयर हाइट एंड देयर एज, हाइट और एज के हिसाब से। चाइल्डहुड ओबेसिटी बहुत ज्यादा ट्रबलिंग होती है, ना सिर्फ बचपन में बढ़ के बड़े होने के बाद, ये सारी खतरनाक बीमारी होने का, जीवन शैली खराब होने का, जीवन आयु खराब कम होने का खूंखार चांस होता है। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रोक, कार्डियक प्रॉब्लम्स, हार्ट अटैक्स, एवरीथिंग, घुटने में प्रॉब्लम, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, बहुत सारी चीजें। You are not fit, you are not successful, you don't sleep well. क्या बोले आप? Poor self-esteem, depression, very bad. So one of the best strategy है कि आप उनको आज ही देखें, आज से देखें, आज से ठीक करना शुरू करें। और जो ठीक करने के लिए सबसे important है वो है उनकी eating habits and exercise habits. और वो सबसे important उसका एक key चीज़ है, कल्ले के काम नहीं है, वो अकेले का काम नहीं है, ये पूरे परिवार को करना पड़ेगा। आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों के साथ सबको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ट्रीटिंग एंड प्रिवेंटिंग चाइल्ड ओबेसिटी इज द ओनली वे विच कैन प्रोटेक्ट योर चाइल्ड फ्रॉम द फ्यूचर कमिंग प्रॉब्लम्स। सो चाइल्डहुड ओबेसिटी होगी, उसका क्या सिम्टम होंगे, कैसे पहचानेंगे? हर बच्चा जो थोड़ा एक्स्ट्रा वेट होता है वो ओबेस या ओवरवेट नहीं होता। कुछ बच्चे बस लार्ज बॉडी फ्रेम वाले होते हैं, जो जिनका हाइट ही बड़ी है, हाइट बड़ी है तो वेट उसके प्रोपोर्शनेट बढ़ेगा और वो एक परसेंटाइल, नॉर्मल परसेंटाइल होता है, एवरेज, अबव एवरेज और एक्चुअल ओबेस, आउट ऑफ द रेंज। सो जो एबनॉर्मल वेट कैरी कर रहे हैं और हाइट भी ज़्यादा है, वो चीज़ आपको आपके पीडियाट्रिशियन बताएंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर बॉडी मास इंडेक्स, जो बताता है, गाइड करता है कि वेट कितना होना चाहिए हाइट के मुकाबले। बहुत आसानी है, गूगल पे चैट मारोगे तो एक चार्ट भी आ जाएगा बॉडी मास इंडेक्स का, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके बच्चे का उम्र क्या है, हाइट क्या है, वजन कितना होना चाहिए, कितना है तो वो आउट ऑफ रेंज है या अंडर रेंज है, वो बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। अब अगर ऐसा है तो इशू क्या है? लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल का इशू है, कोई जेनेटिक इशू नहीं है वहां पर। रेयरली 1-2% लोगों में जेनेटिक, और मैक्सिमम लोगों का, और आपके केस में तो भाई साहब लाइफस्टाइल इशू है। जी हाँ, आपसे बात करो क्योंकि मुझे पता है आपके पास में ऐसा ही हो रहा है। सो व्हाट यू आर डूइंग, यू फीडिंग टू मेनी कैलरीज टू, बहुत सारे उल्टे सीधे कैलरीज वाले ड्रिंक्स, उल्टे सीधे फूड, राइट? हाँ, जेनेटिक्स और हॉर्मोन्स फैक्टर हैं, मगर वो हो गई बीमारी। अगर हार्मोनल फैक्टर है कि बच्चे का पता नहीं क्यों ऐसा है कि फूलते जा रहा है तो वो बीमारी है, जाके दिखाओ, चेकअप होगा, उसके हिसाब से ठीक होगा। मगर अगर बच्चे को खिलाया ज्यादा जा रहा है, द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर इज डाइट, रेगुलर ईटिंग हाई कैलोरी फूड जैसे फास्ट फूड, बेक्ड फूड, वेंडिंग मशीन स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस, घी, बटर मक्खन मलाई, घी फिर भी अच्छा है, बटर मक्खन मलाई बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, ना, सबसे खराब कैंडी, डेजर्ट, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स, नो, लैक ऑफ एक्सरसाइज, वीडियो गेम्स, नो फिजिकल वर्कआउट, कोई एक्सरसाइज नहीं, बाहर नहीं जा रहे हैं, कोरोना है और नहीं जा रहे हैं, वॉचिंग टीवी, व्हाट, प्लेइंग वीडियो गेम्स, मोबाइल फोन, यूट्यूब,
फैमिली फैक्टर बहुत मैटर करता है, कोई एक्सरसाइज नहीं करता, सब मोटे हैं तो बच्चा भी मोटा, सब बैठ के चिप्स खा रहे हैं बच्चा भी चिप्स खा रहे, कब कोल्ड ड्रिंक पी रहे, बच्चे की क्या गलती है, गलती किसकी बताओ। सो द एनवायरमेंट इज हेल्दी, सब एक्सरसाइज कर रहे हैं बच्चा भी करेगा, बच्चे को क्या, बच्चा तो देख के सीखता है, योर गलती। साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है, स्ट्रेस है, पेरेंट्स के बीच में झगड़े हो रहे हैं, इमोशनल स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा, बच्चा कोप करने के लिए खाना खाता है उल्टा सीधा, बोर हो रहा है, बोरडम को कोप करने के लिए खाना खाता है। पेरेंट्स की अगर सेम सिमिलर टेंडेंसी होती है तो बच्चे की भी वैसी टेंडेंसी होती है। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर भी बहुत मायने रखता है, आप बहुत अमीर हो, उल्टे सीधे फ्रोजन मील्स, क्रैकर्स, कुकीज भरे होते हैं आपके फ्रिज में, आपको टाइम नहीं है, आप घर पे आते नहीं हो, बच्चा जो मर्जी निकाल के खाई जाता है, खाई जाता है, खाई जाता है, या मेड है या बेबी सीटर है वो बोलती है चलो बच्चा खा रहा है खान दो, बच्चा मोटा रहेगा, लोग खुश रहेंगे, दैट्स नॉट हेल्दी, दैट्स नॉट हेल्दी। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स, दीज आर द रीजंस। क्या होगा अगर ऐसा ही करते रहोगे तो क्या हो जाएगा, देयर विल बी प्रॉब्लम, देयर विल बी फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस लाइक मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम मतलब देयर इज अ क्लस्टर, बहुत सारी बीमारियां एक साथ आएंगी, बाढ़ आएगी उसकी, जी हाँ, साथ साथ ब्लड प्रेशर, वजन बढ़ेगा, आपके सर पे 20 किलो 15 किलो 50 किलो एक्स्ट्रा वजन लेके घूमोगे पूरा दिन तो कितने दिन में थक जाओगे, बच्चे के पैर में क्या होगा, बच्चे के हालत क्या होगा, ओवरवर्क बर्डन हो रहा है उसका पूरा सिस्टम, सो उसको हार्ट डिजीज के चांसेस बढ़ जाएंगे, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, LDL बढ़ जाएगा, HDL कम हो जाएगा, एक्सेस एब्डोमिनल फैट आएगा, वेरी बैड, अस्थमा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, स्लीप डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, बोन फ्रैक्चर्स होने के, बोन खराब हो, बोन वीक हो जाएगी, लिवर डिजीज, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज हो सकता है। सो अ लॉट ऑफ डेंजरस डिजीजेस। इसके अलावा सोशल कॉम्प्लिकेशन, इकोनॉमिकल, इमोशनल कॉम्प्लिकेशन, लो सेल्फ स्टीम, बुली होगा, मोटे मोटे बुलाया जाएगा उसको, ए मोटे इधरा, ए मोटे गेंडे, ए ढेमस, क्या क्या नहीं बोलते लोग। बिहेवियरल प्रॉब्लम, लर्निंग प्रॉब्लम, ओवरवेट चाइल्ड टेंड्स टू बी मोर एंग्शियस, दे हैव अ पुअर सोशल स्किल्स देन अ नॉर्मल वेटेड चाइल्ड, दे इट लीड्स टू राइट ओवरवेट जो है क्लासमूड, क्लासरूम विड्रॉवल होता है, दे हैव मोर डिप्रेशन केसेस, दे आर मोर टेंड टूवर्ड गोइंग इन टू डिप्रेशन। सो डू समथिंग अबाउट इट। ऑब्वियसली क्या कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो, बच्चा है आपका, दिख रहा है आपको हेल्दी हो रहा है, अरे और मोटा होने दो, कोई नहीं खिलाओ खिलाओ, नहीं, लिमिट करो शुगर, कम से कम सिंपल शुगर्स आर इन्फ्लामेटरी फूड, गलत है वो, सिंपल कैंडी, चॉकलेट, बिस्किट्स और ये सारी चीजें बंद करो, सिंपल शुगर्स बंद करो, फ्रूट्स खिलाओ, वेजिटेबल खिलाओ, राइट, जैसा खाना खाना घर में बनता है वो खिलाओ, बाहर से मत खिलाओ, राइट, बार बार बाहर मत जाओ, रोज रोज बाहर मत जाओ, फ्रोजन फ्रूट मत लाओ, घर में पकवाओ, राइट, पोर्शन साइज दो, अगर दे भी रहे हो कुछ चॉकलेट, एक पीस दो, दो पीस दो, दो चॉकलेट, पूरी पूरी कैडबरी बड़ी वाली, व्हाट इज दिस, कोल्ड ड्रिंक पूरा का पूरा, पोर्शन कंट्रोल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। टीवी स्क्रीन टाइम कम करो, दो घंटे से कम, राइट, और स्लीप सही रखो, यानी कि रात भर लगे पड़े बच्चे लगे पड़े, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, इफ यू डोंट डू एनीथिंग नथिंग विल हैपन, प्रॉब्लम होगा आगे चल के, सॉल्व नहीं होगा ये इशू, समझे। सो द डायग्नोसिस इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ द BMI चार्ट, एज BMI फॉर एज ग्रोथ चार्ट, जो आपको आपके पीडियाट्रिशियन के पास मिल जाएगा, ग्रोथ चार्ट आप भी खुद ले सकते हैं, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चे का परसेंटाइल निकालने के लिए। अगर बच्चे का BMI 85th से 94th परसेंटाइल तक है, 85th से 94th परसेंटाइल, देन इट द बच्चा इज ओवरवेट, BMI का चार्ट में आपको दिख जाएगा। और अगर 95th परसेंटाइल से ऊपर है, 95% से ऊपर है, तो बच्चा इज ओबेस, वो बहुत मोटा, ये उस ओबेसिटी में होगा बीमारियां। सो उसमें फिर आपके फैमिली, आपके हैबिट्स, आपके एक्टिविटी लेवल, आपके हेल्थ कंडीशन, आपके हॉर्मोन्स, इन सब का गलती है, राइट। हाँ, बच्चे के टेस्ट किए जा सकते हैं, उसके कोलेस्ट्रॉल लेवल, उसका शुगर लेवल, उसके हार्मोन लेवल, उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम है, थायराइड प्रॉब्लम है, क्या है, वो निकाला जा सकता है। जो बच्चे ओवरवेट है, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट इज द नंबर वन ट्रीटमेंट। हाँ, कुछ और प्रॉब्लम निकल के आती है, उसको ठीक करेंगे,
चाहे हॉर्मोनल हो चाहे कुछ हो, बट ईटिंग हैबिट्स, हेल्दी ईटिंग, फिजिकल एक्टिविटी और ये सबसे जरूरी। फिर भी कुछ लोगों के बच्चे इतने मोटे हो जाते हैं कि पूछो मत, फिर उनको प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़ती है डॉक्टरों से, कुछ को वेट लॉस सर्जरी तक की जरूरत पड़ जाती है और एल्स बीमारियों। सो डोंट लेट बीमारी कम इन टू योर हाउस, एटलीस्ट नॉट टू योर किड। प्लीज प्लीज शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, एज मच एज यू कैन टू सेव द किड्स ऑफ दिस फ्यूचर। प्लीज डू दैट। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।